वो बच गए और अच्छा है आपके लिए भी हमारे लिए भी कि वो जिंदा रहें, वो मरे ना, वरना अब क्या आप किस पे लगाओगे 307, हमारे ऊपर या पुलिस प्रशासन पे? बताओ आप, क्या ये 307 का हमला नहीं है? क्या 307 की एफआईआर लॉन्च होगी? क्या सर में सर में आके आए हुए हैं, उनका की एफआईआर लॉन्च करोगे? वीडियो सर कस्टडी में लेके पिटा से आपसे प्रदर्शन के लिए हम जब भी हमारा प्रदर्शन होगा, आपके खिलाफ कुछ नहीं है, आपके खिलाफ नहीं कर रहे, हम केवल सरकार को बताना चाह रहे हैं। और आपके खिलाफ तो हमारी उंगली भी नहीं उठेगी, क्योंकि आप हमारे रक्षक हैं, आप रात में ड्यूटी देते हैं। क्यों आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी हमारे बड़े भाई छोटे भाई भाई बहन हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम ये तो देखो, आप इस बात का जवाब दीजिए क्या 307 की एफआईआर लॉन्च होगी? लेकिन मुझे यहाँ बोलने का अधिकार नहीं है, मैंने आपका आपकी बात जो थी मैंने सारी सुन ली है, मैंने सारी बातें आपकी सुन ली। कारों के लिए बैठे ना, मैं एक शहीद की पत्नी हूँ, हमने यहाँ मुंडन भी करवाया था सीएम सिटी में, 53 दिन तक हमने सहारनपुर वाला रोड जाम करके रखा था, बताइए कोई अनुशासनहीनता रही हुई तो? सर हम अपने अधिकारों के लिए यहाँ आए हैं, 18 सालों से शोषण हो रहा है सरकार, 1/3 सैलरी में हम 400 किलोमीटर तक जहाँ एक सरकारी मास्टर जाने के लिए खुश नहीं है, मेवात में, फरीदाबाद में, पलवल में, सिरसा में नौकरी करने के लिए, और 1/3 सैलरी में हम 18 सालों से पढ़ा रहे हैं। हम हमारी सरकार के साथ लड़ाई है, ये प्रशासन के जितने भी मेरे बहन भाई हैं उनके साथ नहीं है, हम सरकार के साथ लड़ने के लिए आए हैं। आपकी बात जो है काम कर रही है कि इलाज भी पूरा नहीं हुआ, तो जिस तरह से डंडा बरसाया गया ना तो तुरंत मौत होती। मेरे को पीजीआई ने बिल्कुल जवाब दे रखा है कि अगर प्यार में भी किसी ने यहाँ ऐसी चोट कर दी तो जान जा सकती है, खोपड़ी नहीं है सिर में। तो आप देखो क्या ये जायज हुआ हमारे साथ, क्या जायज था ये सिरों में डंडे मारना? जायज जो बात है आपकी, जो भी ग्रीवेंसेज है, जो भी तरफ से आपको ये सुनिश्चित करते और ये विश्वास दिलाते हैं हमारी तरफ से कभी कोई किसी प्रकार का अनुशासनहीनता कहीं पर भी शहर में नहीं प्रदर्शित की जाएगी। जो भी आंदोलन चलेगा शांतिपूर्वक चलेगा। इससे पहले हम 4 शिक्षा मंत्री घर पे बैठा चुके हैं जी, इनका भी नंबर है, अब की बार चाहे कुछ भी हो जाए ये जीतने वाले नहीं है। इनको कभी ये गलत फहमी हो कि भाई मैं जो है ये डंडों से इनको डरा दूंगा, चलानी थी तो गोलियां चलानी थी जी, डंडों से क्या था? 30-30 पुलिस वालों ने घेर करके उनको अच्छी तरह से उनको जो है स्वस्थ होने के बाद सिर में लाठियां मारी हैं। देखिए हत्या आदमियों पे इसकी जांच होनी चाहिए जी, वो आपकी जो मांग है जांच की और इसकी 307 की एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए जी। जांच की और एफआईआर की मैं दोनों मांगे एसपी साहब और डीसी साहब दोनों तक पहुंचा दूंगा। आगे के बात का आपको आश्वासन देता हूं, आगे के लिए ये भी आश्वासन दो सर कि हमारी तरफ से कोई इस तरह की कोई जो है घटना नहीं होगी। और अगली रिक्वेस्ट है हमारी कि भाई हमारा आप भी ड्यूटी कर रहे हो सरकार की, हम भी अपने हकों की ड्यूटी कर रहे हैं, इसलिए आपसे निवेदन है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं डरेंगे घुड़की से नहीं चलेंगे कुर्सी से नहीं डरेंगे घुड़की से नहीं चलेंगे कुर्सी से। आपको पक्का करो पक्का करो पक्का करो, रोजी रोटी के हत्यारों मार सको तो गोली मारो, रोजी रोटी के हत्यारों मार सको तो गोली मारो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, हमारे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी बहनें जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए जी, आज 2024 है, पूरा देश पूरा विश्व नववर्ष के रूप में मना रहा है, और हमारे भारत देश में जो संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जो जनता जनार्दन होती है और जनता के द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है, और उसी कड़ी में उसी देश की जनता में जो अध्यापक होता है, जो राष्ट्र का निर्माता होता है, आप देखिए इस कड़ाके की ठंड में 1 जनवरी को किस तरीके से महिलाएं, किस तरीके से जो अध्यापक हैं वो सड़कों पे इस कड़ाके की ठंड में अपने अधिकारों को लेके, जो 18 सालों से जो शोषण हो रहा है, हमारी एक ही मांग है कि 1/3 सैलरी पे हम जो काम करते आ रहे हमें नियमित किया जाए हमारी सेवाओं को देखते हुए। और दूसरी तरफ
तानाशाही सरकार, जो जनता ने सरकार का निर्माण किया है। लोकतंत्र में अधिकारों की मांग, हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कल हमारे जो अतिथि अध्यापक हैं, उनके जो हमारे मेन शिष्टमंडल के पदाधिकारी हैं, कोर कमेटी के सदस्य राजेंद्र शास्त्री जी और बहुत मेरे ऐसे साथी हैं जिन्होंने अंदरूनी चोट आई है, जिन्होंने मेडिकल नहीं करवाया, वो ड्रामा सेंटर जगाधरी में अभी मौजूद है। हम सुबह मॉर्निंग में हमारा एक शिष्टमंडल उनसे मिलने गया था, लेकिन उनकी स्थिति अब भी दयनीय है। वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि 5-7 दिन तक वो बेड से उठ सकें। तो ये सरकार की जो तानाशाही गतिविधियां हैं, जो नीतियां हैं, उनका हम घोर विरोध करते हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं, इस भाजपा सरकार को, कच्छाधारियों की सरकार को, आरएसएस सरकार को, झूठी सरकार को, जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहती है कि 2019 में कि हम पहली कलम से आपको पक्का करेंगे, और फिर भी अतिथि अध्यापक 18 सालों से वहाँ, इनकी पहली कलम वोशाई कहाँ गुम होगी? आज 2024 आ गया, अब चुनाव होंगे, हम ईंट का पत्थर का जवाब ईंट से देंगे, कुरुक्षेत्र में चेंज कर देंगे अपने अधिकारों के लेके। आवाज दो, असिस्टमेंडल बैठेगा और उसके बाद हम कल क्या करेंगे वो आपको बहुत जल्दी बता दिया जाएगा, ज्ञापन सौंप दिया जाएगा। डीसी और जी क्या हाल है? सबसे पहले तो मेरा सभी दर्शकों को, यमुनानगर के निवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। गेस्ट टीचरों से अभी मैं मिला, उनकी कुछ तकलीफें हैं, कल जो घटना हुई इसके बारे में उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, उनकी प्रशासन से कुछ मांगे हैं, कुछ तकलीफें हैं, ज्ञापन हमने ले लिया है और उनको आश्वासन दिया गया है कि उनकी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी उनकी मांगे हैं, वो प्रशासन में वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दी जाएंगी। धन्यवाद। ये तो दादागिरी है, उस सरकार के काम हो गए, जिन लोगों ने चुने, जिन्होंने मेहनत करके यहाँ तक बचाए, राजू ने जो मांगने के लिए, और गेस्ट तो अतिथि हो, मेहमान हो, मेहमान ने तो कभी भी दरकार था नहीं कोई, और ये मेहमान पर चाय पानी पिलाने की बजाय और लठ बजाने का काम कर रहे हैं, कोई क्या इंसानियत थोड़ी है यार। अरे अपनी मांग मांगने के लिए जा रहे ना ही ना कुछ दो, कम से कम इनके हाथ पैर तो ना तोड़े, इनके बच्चे फिरेंगे रोते, किसी के सिर पर लगी, किसी का कहीं गलत जगह पर, मतलब कोई लगी, इनके बच्चे रोते फिरेंगे, किसकी किसन रोवेंगे जे, कोई सरकार है क्या जहाँ भी सुनाने वाला, मतलब मांगने वाला की उम्मीद हो भी मैं मांगने के लिए, तुम उनका निरादर तो ना करो, उनका लठ तो ना मारो, उनके सिर तो ना फोड़ो भाई, उनसे नहीं आप लोग कम कर सकते। पहले तो वादे कर रहे हैं, अब हम ये करेंगे और ये करेंगे, और फिर वादों के गेल फिर बस एक लठ बजाने का काम रहेगा, चाहे किसान हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे कोई मतलब कर्मचारी, मतलब पुलिस वाले भाइयों से भी कहूँगा भी, आप भी हमारे भाई हो, इन लोगों की मेहनत, इनकी खून पसीने की कमाई से भी आप लोगों की वो मिले, इंसानियत आप लोगों ने भी रखनी चाहिए थोड़ी बहुत, अच्छी बात नहीं होती यार। धन्यवाद। घुटना घुट नहीं होता पूरी तरह, दर्द होता है ये, जैसे पंजा मोड़ी हो, पंजा कोशिश कर, कोशिश ठीक है, सिद्धर बैठ के भी देखना आप, ठीक है, थोड़ा बहुत बैठ के देखना अगर बैठ सकते हो तो, बस क्योंकि पता लग जाएगा ना कि चाव तो नहीं हो रहा कोई इसमें, कोई सारा पकड़ के ही बैठ सकते हो वैसे, चलो बता देना भैया मेरे को, दिखा दे। मेरा नाम राजेंद्र शर्मा शास्त्री, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा राजकीय अतिथि अध्यापक मंच। हम कल अनाज मंडी में इकट्ठे हुए थे, क्योंकि 115 दिन से हम करनाल में शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। परसों शिक्षा मंत्री जी के पास आए थे, उनसे भी अनुरोध किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी
मीटिंग करवाइए। हमारी एक ही मांग है, 18 साल से हम हरियाणा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लगे हुए हैं, हमें नियमित किया जाए। हमारे से पहले भी बहुत सी कच्ची भर्तियां हुई हैं, चाहे वो 89 डेज की हो, चाहे हेड ऑफ की हो, चाहे 6 मंथ बेसिस हो, और तो जिला परिषद द्वारा भी JBT अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी, जो शिक्षा विभाग में पार्ट टाइम स्वीपर 2 घंटे के लिए लगाए जाते हैं, उनको भी रेगुलर किया है पिछली सरकारों द्वारा पॉलिसी बनाकर। तो हमारी भी वर्तमान सरकार से यही मांग थी कि आपने वायदा भी किया था सत्ता में आने से पूर्व, और आपके प्रदेशाध्यक्ष ने लिखित रूप में भी दिया था, आप किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को भी हमारे बीच में जंतर मंतर पर लेकर आए थे, आपने कहा था कि भाई आपको रेगुलर होने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, हमने कानूनी राय ले ली है, सत्ता में आते ही हम आपको नियमित करेंगे, तो आप उस वायदे को निभाइए। लेकिन अफसोस की बात है, सरकार वो वायदा निभाने की बजाय हमें लाठियों से प्रताड़ित करके हमारा मुंह बंद करना चाहती है कि हम वो बार बार वायदा ना दिलाएं। तो हमारा एक ही मांग है कि हरियाणा प्रदेश के 13,000 गेस्ट टीचर जो सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, वो रेगुलर के 1/3 वेतन पर काम कर रहे हैं, जबकि काम बहुत अधिक किया जाता है, पूरी योग्यता रखते हैं, किसी भी प्रकार की रेगुलर होने में कोई भी अड़चन नहीं है। हमने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, रिटायर्ड न्यायाधीश से ओपिनियन भी लिया है कि कहीं हमारे अंदर कोई कमी ना हो, उन्होंने ओपिनियन भी दिया है कि भी गेस्ट टीचर को रेगुलर किया जा सकता है, तो लेकिन फिर भी सरकार हठधर्मिता पे अड़ी हुई है, मुख्यमंत्री जी मीटिंग का टाइम नहीं दे रहे हैं, सामना क्यों नहीं करना चाहते, इसके पीछे क्या राजनीति है, हमें इस मंशा का पता नहीं है। तो हम बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से अनाज मंडी में थे, और पुलिस ने अनाज मंडी के अंदर ही हमें रोका और बर्बरतापूर्वक लाठियां मारी, मुझे पकड़कर 10 लोगों ने बीच में खड़ा करके बहुत बेरहमी से मारा गया। एक पुलिस वाले ने बिल्कुल सीधा लठ मेरे सिर में मारा, जैसे कि मेरे को चक्कर आ गया और मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया कि मैं आज नहीं बचूंगा। तो बड़ी बेरहमी से जिसने भी देखा उसी ने आकर भाग भाग के मेरे को मारना शुरू किया, और जब तक मैं बिल्कुल मुर्दा हालत में नहीं हुआ तब तक मुझे मारते रहे। इतनी बेरहमी से मारने का क्या तात्पर्य था, किसने ये आदेश दिया था कि भी इसको टारगेट करके बुरी तरह से मारना है, पूरी तरह से तोड़ना है, वो तो अगली रणनीति गेस्ट टीचरों को पक्का करवाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम हर वो मुकाम हासिल करेंगे, चाहे किसी भी प्रकार से सरकार माने, चाहे लाठी मारे, चाहे गोली मारे, चाहे वो शांति प्रिय तरीके से हमें रेगुलर करे, सरकार को हमारी बात तो सुननी पड़ेगी। हम बात सुनाने के लिए ही यहाँ पर आए थे, लेकिन हमारी बात न सुनकर लाठियाँ मारना, ये कहाँ का न्याय है। तो हम सरकार से मांग करते हैं, या तो हमारी मांग मान ली जाए, बात सुन ली जाए, नहीं तो हम जो लोकतांत्रिक तरीके से हमारा अधिकार है प्रदर्शन करना, धरना करना, जो